दिखाते हैं राजधानी भोपाल में पार्षद टिकट के लिए कैसे कांग्रेसी आपस में ही भिड़ गए। राजधानी भोपाल में पार्षद के टिकट को लेकर सोमवार को कांग्रेसियों में लात घूंसे चल गए। बाहरी के मुद्दे पर कांग्रेसी एक दूसरे पर फूट पड़े। झूमा झटकी मारपीट के साथ एक दूसरे के साथ गाली गलौज भी की गई। वार्ड पार्षदों की दावेदारी के दौरान यह मामला हुआ था। जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने बताया, मीटिंग में दावेदारों से बायोडाटा लिए जा चुके थे, मीटिंग खत्म हो गई थी। इसके बाद कुछ कार्यकर्ता में नोकझोंक हो गई। इस बार के भोपाल नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी और टिकट बांटने का फॉर्मूला बदल लिया है। पार्टी दफ्तर में दावेदारों से बायोडाटा लेने के साथ वरिष्ठ नेता अब वार्डों में जाकर सर्वे भी कर रहे हैं, वहीं मीटिंग भी ली जा रही है ताकि जिताऊ दावेदारों को तलाशा जा सके। इसके चलते ही सोमवार को जिलाध्यक्ष मिश्रा समेत अन्य वरिष्ठ कांग्रेस बोगदा पुल के पास गार्डन में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंचे थे। इसमें वार्ड नंबर 40, 41, 44, 58, 59, 69, 70 और 71 के कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इसी दौरान उनमें विवाद हो गया। विवाद के वीडियो सामने आने के बाद वरिष्ठ नेताओं ने मामले में चुप्पी साध ली है। मीटिंग के दौरान एक दावेदार के बाहरी होने का मुद्दा उठा। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, लात घूंसे चलाने के साथ कागज बिखेर दिए, कुर्सियां तक फेंक दी गई। वरिष्ठ नेताओं की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। जिलाध्यक्ष मिश्रा ने बताया कि मीटिंग में दावेदारों के कुल 40 बायोडाटा आए, इन पर वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर राय शुमारी की जाएगी, जीतने वालों को ही उम्मीदवार बनाएंगे। मीटिंग के बाद नोकझोंक भी हुई थी।